रेडी टू मूव इन प्रीमियम टीप्लेक्स विल्ली APR projects. ऐसा शिवाजी पार्क जहाँ से इंडी एलाय ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से माताओं बहनों आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं मैं भारत माँ का पुजारी हूं मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूँ और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूप माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा जीवन खपा दूंगा क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया चंद्रयान की सफलता को भी जहां चंद्रयान ने लैंड किया हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगल फुकर माताएं बहने शक्ति स्वरूप आप है क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या मौका देंगे क्या शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए शक्ति स्वरूप माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और इसलिए भाइयों बहनों हिंदी अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग मुकाबला चार जून को हो जाएगा कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है इसका मुकाबला चार जून को हो जाएगा साथियों तेलंगाना की ये धरती कोई साधारण धरती नहीं है ये वो धरती है जिसने अंग्रेजों से संघर्ष किया जो रजाकारों के अत्याचारों से लड़ाई लड़े इस धरती ने देश की अखंडता और सम्मान के लिए संघर्ष किया बावजूद इसके आजादी के बाद तेलंगाना को कांग्रेस के सियासी षडयंत्रों को सहना पड़ा एक और वो कांग्रेस पार्टी है जिसने तेलंगाना के सपनों को कुचला है दूसरी ओर वो बीआरएस है जिसने यहां के लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल किया सत्ता पाई और बाद में जनता से विश्वासघात कर दिया तेलंगाना का निर्माण के पहले दस वर्षों तक बीआरएस ने पहले दस साल बीआरएस ने तेलंगाना को जम करके लूटा है लूटा है कि नहीं लूटा है और अब कांग्रेस ने तेलंगाना को अपना एटीएम स्टेट बना लिया है तेलंगाना से लूटा गया ये पैसा दिल्ली तक जाता है वहां परिवारवादी लोगों की तिजोरी में पहुंचता है फिर इसी पैसे का इस्तेमाल देश में झूठ और बंटवारे की साजिशों की फंडिंग के लिए होता है और तेलंगाना के लोग जानते हैं एक घोटालेबाज दूसरे घोटालेबाज पर कभी कार्रवाई नहीं कर सकता इसलिए जो कांग्रेस पार्टी चुनाव के समय बीआरएस पर घोटालों का आरोप लगाती थी आज वही कांग्रेस बीआरएस की फाइलों पर हाथ धरकर बैठ गई है साथियों बीआरएस और कांग्रेस की मिली भगत कितनी जबरदस्त है ये भी आज तेलंगाना के लोग देख रहे हैं आज बीआरएस के घोटालों पर कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है कालेश्वरम स्कैम के అరబం రూపాయ కహా చలే గయే సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి